हेलो, तो कैसे हैं गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं पाठक चर्चितानंद आपका स्वागत करते हैं अपने पाठक एजुकेशन सेंटर में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं आप वीडियो देखें सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ट्यूटोरियल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, विच इज द माइक्रो प्रोसेसर कंप्राइजिंग। आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, व्हाट इज द स्टोर बाय रजिस्टर। रजिस्टर के द्वारा क्या स्टोर किया जाता है? आंसर डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्यूमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर एग्जाम्पल आर। माइक्रो प्रोसेसर जो एक्यूमुलेटर बेस्ड है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो आंसर सी होगा, ए एंड बी, यानी कि इंटेल 8085 और मोटरोला 6809। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, अ सेट ऑफ रजिस्टर विच कॉन्टेन आर। आंसर डी, ऑल ऑफ डी, यानी कि अ सेट ऑफ रजिस्टर क्या कॉन्टेन रखता है? डाटा, मेमोरी, एड्रेस, रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, देयर आर प्राइमरी टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर, अ जनरल पर्पस रजिस्टर, डिटेक्टेड रजिस्टर। आंसर होगा सी, यानी कि ए एंड बी दोनों रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेम ऑफ टाइपिकल डेडिकेटेड रजिस्टर इज। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एस डीज। क्वेश्चन नंबर सेवन, बीसीडी स्टैंड फॉर, इसका आंसर होगा ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर एट, व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर क्रिटिकल पीसेस ऑफ डाटा ड्यूरिंग सबॉर्डिनेट्स एंड इंटरप्रेट्स। आंसर होगा अस्टैक। क्वेश्चन नंबर नाइन, द डाटा इन द अस्टैक इज कॉल्ड अ पुशिंग डाटा। क्वेश्चन नंबर टेन, द एक्सटर्नल सिस्टम बूस आर्किटेक्चर इज क्रिएटेड यूजिंग फ्रॉम डैश आर्किटेक्चर। आंसर होगा डी, वन नुमिनान। क्वेश्चन नंबर वन, देखिए ये हो गया कि जैसे हमने इसको पूरे 111 क्वेश्चन को 11 सेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि 10-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक सेट में, 10 क्वेश्चन सेकंड, ऐसे ही करके 10-10 क्वेश्चन मैंने ये डिवाइड कर दिया है। तो फिर से आपका ये माइक्रो प्रोसेसर एमसीक्यू सेट टू है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सेट टू का, द प्रोसेसर 80386 और 80486 एंड द पेंटियम प्रोसेसर यूज डैश बिट्स एड्रेस बूस। आंसर होगा बी, यानी कि 32 बिट्स एड्रेस बूस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टू, विच इज नॉट द कंट्रोल बूस सिग्नल। आंसर होगा सी, रीसेट। क्वेश्चन नंबर थ्री, पी रोम स्टैंड फॉर, तो पी रोम स्टैंड फॉर यानी कि पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर फोर इसका होगा, तो व्हाट इज द, दैट मीन्स कि ई पी रोम स्टैंड फॉर, इसका हो गया आंसर ए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इज द टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर मेमोरी। आंसर सी, बोथ एंड एड्रेस एंड द कंटेंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेकेंडरी मेमोरी कैन स्टोर, सेकेंडरी मेमोरी क्या स्टोर करता है? आंसर डी, ऑल ऑफ द डीज, प्रोग्राम स्टोर कोड, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड सी, बोथ ए एंड बी, यानी एक्सिलरी मेमोरी एंड बैकअप स्टोर। क्वेश्चन नंबर एट, कस्टमाइज रोम्स आर कॉल्ड, क्वेश्चन ए आंसर मास्क रोम। क्वेश्चन नंबर नाइन, द रैम विच इज क्रिएटेड यूजिंग बाईपोलर ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड, आंसर बी, स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर टेन, ईच मेमोरी लोकेशन हैज, क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर सी, यानी कि बोथ एंड बी, यानी एड्रेस एंड कॉन्टेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट सेट, क्वेश्चन सेट नंबर थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रैम नीड्स रेगुलर रेफर्ड। आंसर होगा ए, डायनेमिक रैम। क्वेश्चन नंबर टू, विच रैम इज क्रिएटेड यूजिंग MOS ट्रांजिस्टर। आंसर होगा ए, डायनेमिक रैम। क्वेश्चन नंबर थ्री, अ माइक्रो प्रोसेसर रिट्राइव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर होगा सी, मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, द लोअर रेडी कर्व एरो शो दैट सीपीयू
places the address extended from the memory location on द आंसर होगा ए एड्रेस बोस. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. द सीपीयू सेंड्स आउट अ डैश सिग्नल टू इंडिकेट दैट वैलिड डाटा इज अवेलेबल ऑन द डाटा बस. आंसर होगा बी राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6. द सीपीयू रिमूव्स द डैश सिग्नल टू कंप्लीट द मेमोरी राइट ऑपरेशन. आंसर ए रीड. क्वेश्चन नंबर 7. बी आई यू स्टैंड फॉर. आंसर होगा ए बस इंटरफेस यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8. ई यू स्टैंड फॉर. आंसर होगा ए एक्सिक्यूशन यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9. विच आर द फोर कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर. आंसर होगा ई ऑल ऑफ दीज. जनरल पर्पस रजिस्टर, पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर, अदर रजिस्टर. क्वेश्चन नंबर 10. 8 ऑफ द रजिस्टर आर नॉन एज. आंसर ए जनरल पर्पस रजिस्टर. क्वेश्चन नंबर 1 यानी एमसीक्यू सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1. द फोर इंडेक्स रजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर. आंसर ए अरिथमेटिक ऑपरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. आईपी स्टैंड फॉर ए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3. सीएस स्टैंड फॉर कोड सेगमेंट. क्वेश्चन नंबर 4. डीएस स्टैंड फॉर डाटा सेगमेंट. क्वेश्चन नंबर 5. विच आर द सेगमेंट. आंसर ई ऑल ऑफ दीज. यानी कि टोटल क्या है, सेगमेंट है. क्वेश्चन नंबर 6. द एक्युमुलेटर इज 16 बिट वाइड एंड इज कॉल्ड ए ए एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी बिट्स आर द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज वाइड. आंसर ए 16 बिट. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग इन मेमोरी. आंसर सी लोकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस. यानी कि आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 9. द साइज ऑफ ईच सेगमेंट इन 8086 इज ए 64 KB. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. द डैश एड्रेस ऑफ मेमोरी इज अ 20 बिट एड्रेस फॉर द 8086 माइक्रोप्रोसेसर. आंसर ए फिजिकल. क्वेश्चन नंबर 1. दैट मींस माइक्रोप्रोसेसर एमसीक्यू सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1. ईए स्टैंड फॉर इफेक्टिव एड्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2. बीपी स्टैंड फॉर बेस पॉइंटर. क्वेश्चन नंबर 3. डीआई स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन इंडेक्स. क्वेश्चन नंबर 4. एसआई स्टैंड फॉर आंसर बी सोर्स इंडेक्स. क्वेश्चन नंबर 5. एएलई स्टैंड फॉर एड्रेस लैच इनेबल. क्वेश्चन नंबर 6. एनएमआई स्टैंड फॉर नॉन मास्क एबल इंटरप्ट. क्वेश्चन नंबर 7. डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट एंड इट कंटेन द एक्चुअल असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर. आंसर बी कोड सेगमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8. द ऑफसेट ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट वेरीज फ्रॉम. आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9. द पिन कॉन्फिगरेशन ऑफ 8086 इज अवेलेबल इन द. आंसर 40 पिन. क्वेश्चन नंबर 10. DIP stand for doll inline package. Next set, our set number 6. Question number 1. Which are the factor of cache memory? Architecture of the microprocessor. Answer hoga D. All of these. Question number 2. Dash is the usual the first level of memory accessed by the microprocessor. Iska answer hoga cache memory. Sorry, answer is wrong. Cache memory is the right answer. Next question, question number 3. Which is the small amount of high speed memory used to work directly with the microprocessor? Answer A. Cache. Question number 4. The cache usually gets its data from the dash whenever the instructions or data is required by the CPU. Answer A. Main memory. Question number 5. Microprocessor reference that are available in the cache are called. Answer A. Cache hits. Question number 6. Microprocessor refers the are not available in the cache are called. C. Cache miss. Question number 7. Which cause the microprocessor to immediate terminate its present activity? A. Reset signal.
क्वेश्चन नंबर 8, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द आउटसाइड वर्ल्ड कम्युनिकेशन बाय द माइक्रो प्रोसेसर. आंसर ए बी आई यू. क्वेश्चन नंबर 9, INTR, it implies the dash signal. Answer A, interrupt request. Question number 10, which of the following are the two main components of the CPU? Answer C, control unit and ALU. Next set number 7, our first question, different components in the motherboard of the FPC unit are linked together by sets of parallel electrical conducting lines. What are these lines called? Answer B, buses. Question number 2, the language that the computer can understand and execute is called? Answer A, machine language. Question number 3, which of the following is used as a primary storage device? Answer B, PROM, programmable read only memory. Question number 4, which of the following memories needs refresh? Answer B, DRAM. Question number 5, the memory which is programmed at the time it is manufactured? Answer A, PROM. Next question number 6, which of the following memory medium is not used as main memory system? Answer C, magnetic tape. Question number 7, registers which are partially visible to user and used to hold conditional are known as? C, general purpose register. Question number 8, one of the main features that distinguishes microprocessor from microcomputer is? Answer C, microprocessor does not contain input output devices. Question number 9, the first microprocessor built by the Intel Corporation was called? Answer C, 40004. Question number 10, an integrated circuit is D, fabricated on a tiny silicon chip. Next set हमारा है set number 8 का question number 1st. Most important advantage of an IC is its? Answer होगा B, extremely high reliability. Question number 2, which of the following item are example of a storage device? Answer D, all of the above. Question number 3, the width of processor data path is measured in bits. Which of the following are common data paths? Answer A, 8-bit. Question number 4, which is the type of memory of information that does not change on your computer? Answer B, ROM. Question number 5, what type of memory is not directly addressable by the CPU and requires a special software are called EMS, expanded memory specification? Answer B, expanded. Question number 6, before a disk can be used to store data, it must be? Answer A, formatted. Question number 7, which company is the biggest player in the microprocessor industry? Answer hoga C, Intel. Question number 8, a typical personal computer used for business purpose would have of RAM? Answer hoga D, 256K. Next question number 9, the world length of computer is measured in D, bits. Question number 10, what are the three decision making operations performed by the ALU of a computer? Answer D, all of the above, greater than, less than, equal to. Question number 1, that means set 9 ka question number 1, can you tell what passes into and out from the computer via its ports? Answer A, data. Question number 2, what is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer? Answer B, to compare numbers. Question number 3, the secondary storage devices can only store data but they cannot perform? Answer B, either of the above. Question number 4, which of the following memories allows simultaneous read and write operation? Answer B, RAM. Question number 5, which of the following memories has the shortest access time? Answer A, cache memory. Question number 6, a 32-bit microprocessor has the word length equal to? Answer C, 4 byte. Question number 7,
एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड, आंसर बी बग। क्वेश्चन नंबर 8, द सिलिकॉन चिप यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड, आंसर डी पी रोम चिप्स। क्वेश्चन नंबर 9, द मेटल डिस्क व्हिच आर परमानेंटली हाउस्ड इन सील्ड एंड कंटेनमेंट फ्री कंटेनर्स आर कॉल्ड, आंसर सी विंचेस्टर डिस्क। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, आंसर डी ऑल ऑफ द अबव, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1, सेट 10 का क्वेश्चन नंबर 1, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस ऑन, आंसर सी रीड ओनली मेमोरी चिप। क्वेश्चन नंबर 2, द एलयू ऑफ कंप्यूटर नॉर्मली कंसिस्ट्स अ नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट कॉल्ड, आंसर बी रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विथ आईसी चिप आर नोन एज, आंसर सी आईबीएम सिस्टम 360। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी, आंसर डी टेम्पोररी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, आंसर डी सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, द लोकेट अ डाटा आइटम फॉर अ स्टोरेज इज, आंसर डी फेच। क्वेश्चन नंबर 7, अ डायरेक्टली एक्सेसिबल अपॉइंटमेंट कैलेंडर इज फ्यूचर ऑफ अ रेसिडेंट पैकेज, आंसर बी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, आंसर सी 1024 मेगा बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 9, एंड डैश डिवाइस इज any device that provides information which is sent to the CPU, answer input. Question number 10, current SIMMS have either or connector pins, answer D 30 or 22 connector pin. And question number 1, microprocessor MCQ set 11, which is the brain of computer, ये तो सभी लोग जानते हैं। आप भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आंसर होगा बी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच टेक्नोलॉजी यूज द माइक्रोप्रोसेसर इज फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप, आंसर एमओएस। क्वेश्चन नंबर 2, एमओएस स्टैंड फॉर, आंसर ए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच फॉर्म सीपीयू प्रोवाइड आउटपुट, answer B digital signals. Question number 5, the register section is related to dash of the computer, answer C main memory. Question number 6, in microprocessor one of the operands holds a special register called, answer C accumulator. Question number 7, which register is a temporary storage location, answer C A and B general purpose register and dedicated register. Question number 8, PC stand for, answer A program counter. Next question 9, IR stand for, answer D instruction register. Question number 10, SP stand for a stack pointer, and answer B. Question number 11, a stack works on, a stack kis process pe kaam karta hai, answer B hoga LIFO, yani ki last input first output. Yadi aap is पूरे ट्यूटोरियल्स का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे पाठक एजुकेशन सेंटर फेसबुक पेज पे विजिट करें, और या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको इस पूरे वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो देखें सबसे पहले, और अपने दोस्तों और के साथ भी शेयर करें ये वीडियो ताकि वो अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।